अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिच एंड स्टाइल बाय सबा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपनी शर्ट के दामन पे, स्लीव्स पे, दुपट्टे पे फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगा सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज आप मुकम्मल डिटेल से नहीं देखेंगे आपको उसकी सही तरह से समझ नहीं आएगी। कुछ ऐसा रह जाएगा जो आपके लिए समझना जरूरी होगा। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक फिनिशिंग पट्टी इस तरह से काट ली है। ठीक है, आपको जिस कलर में लगानी है, अगर कंट्रास्ट में लगानी है तो लगा लें, अगर सेम उसी कपड़े में लगानी है, ठीक है, सेम कलर लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फिनिशिंग पट्टी ली है, इसको हम मेजर कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऑलमोस्ट है 1 पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ये 2 इंचज फुल नहीं है, ये तकरीबन 1.25 इंचज है। ठीक है, 2 इंचज से जरा सी ये कम है। तो ये साइज परफेक्ट है आपने आपके स्लीव्स के लिए लगाने के लिए, स्लीव्स पे लगाने के लिए भी, दामन पे लगाने के लिए भी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चौड़ी लगा दें तो उसकी भी इतनी खूबसूरती नहीं आती। तो इस तरह से आपने ये फिनिशिंग पट्टी काट लेनी है, जितनी आपको चाहिए, जितना दुपट्टे के लिए चाहिए उसके हिसाब से बना लें। ठीक है, और अगर आपको जो लेंथ आपकी है चाक दामन की, उसके अकॉर्डिंग की आप पट्टी पट्टी तैयार कर लें। इसके बाद आपको लेस चाहिए होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से लेंगे। फिनिशिंग पट्टी को इस तरह से लेने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से लेस रखेंगे कि फिनिशिंग पट्टी की भी सीधी साइड आएगी। ठीक है, और जो लेस होगी हमारे पास उसकी भी सीधी साइड आएगी। तो इस तरह से सीधी साइड ऊपर रख के हम इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो अभी हम इसकी सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई लगाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सिलाई लगाने की, उतनी आपकी सिलाई में सफाई आएगी। तो प्रैक्टिस करते रहकर इंशाल्लाह ताला आप ट्रेंड हो जाएंगे किसी भी चीज में जो आप काम करना चाहें, क्योंकि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो सीखें, हर चीज़ सीखें, कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। याद रहे कि ये जो लेस है इसकी भी सीधी साइड लेनी है, और ये जो पट्टी आप लगाएंगे उसकी भी आपने सीधी साइड लेनी है। तो अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये पट्टी रेडी कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इस पर कहीं भी खिंचाव नहीं आया, कहीं भी इस तरह से झोल नहीं पड़ा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस रेडी हो गई है लग के। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। ठीक है, व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको शर्ट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, मैंने एक सैंपल के तौर पे पीस लिया है, मैं उसके ऊपर लगाऊंगी। आप इसी तरीके से अपनी शर्ट के दामन पे, स्लीव्स पे लगा सकते हैं, दुपट्टे पे लगा सकते हैं। व्यूवर्स, ये हमने जो कपड़ा लिया है वह हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। आप इसी तरीके से अपने दुपट्टे दामन पे या चौक वगैरह पे लेस लगा सकते हैं पर फिनिशिंग पट्टी के साथ। तो अभी हम इस तरह से जो लेस की ये उल्टी साइड है जहां से हमने इसको प्रेस किया है, अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। लेकिन इससे पहले आप स्केल की मदद से निशान लगा लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने उसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इस तरह से जहां जहां आपको लगाना है आप इसको मार्क कर लें। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से इस पट्टी को लेंगे, इस लाइन के ऊपर इस तरह से रखेंगे और देन इसके ऊपर हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, यहां से हम इसको बाद में फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने लेस आ जाएगी। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमने यहां तक सिलाई लगा ली। अब यहाँ कॉर्नर हमने बनाना है, तो यहां से जरा आप ध्यान से समझने वाली बात है, तो आप यहां से आराम से
काम करेंगे ताकि यहाँ से जो कॉर्नर बने उसमें फिनिशिंग आए, खराब ना हो। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है, ठीक है। यहाँ से आधे इंच की जगह हम इसको रोक देंगे मशीन को और धागे को इस तरह से काट लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ तक हमने सिलाई लगा के धागा काट दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको, कॉर्नर को फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से कर लें। और यहाँ से हम अब सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमने इस तरह से फिनिशिंग पट्टी अटैच कर ली है, कितनी सफाई से ये लग गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। प्रेस करने से सिलाई में भी आसानी आ जाती है और सफाई तो आती ही है। अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हैं इसका कॉर्नर कितनी सफाई से बना है। इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से जहाँ से स्टार्ट लिया था इसको इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद हमारी जो लेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी इसकी सिलाई लगाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ कॉर्नर से भी कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लें, यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड करें कि ये इसके बिल्कुल सामने आए, मैच हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे साथ ही सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर तरपाई करूँगी। अभी हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारी फिनिशिंग पट्टी भी लग चुकी है, कितनी सफाई से लगी है, और हमारी लेस भी बहुत ज़्यादा सफाई से लगी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी बहुत सफाई आई है और लेस भी बहुत अच्छे से लग गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।